क्या है? तो उन्होंने कहा कि फट का अर्थ यह होता है कि संसार में जो कोई भी अन्याय कर रहा है उस अन्याय को उस उसके मंत्र के सामने अगर फट लगा दिया जाए और इस मंत्र को कहा जाए तो वो सब शत्रुओं का नाश हो। हम देखते हैं हमारे पास सारे मंत्रों के पीछे फट फट लगा है। फट का अर्थ भगवान शिव जी का उचित किया हुआ मंत्र था जो उन्होंने अपने एड़ी पर मार कर किया था। आज भी हम भूतोत्थान के लिए या अपने पास पृथ्वी पर जो भी राजस्थान से निकलने के लिए अगर यहाँ ब्राह्मण हैं तो लोग जानते हैं पृथ्वी पर 3 बार एड़ी से फट फट कहते हुए मारते हैं और उसके बाद भुजा में बैठते हैं और पृथ्वी की प्रार्थना करते हैं कि ऐसे भूतोत्थान का उत्साधन हो जाए। यही फट का कार्य शिव जी ने किया था। और जब ये फट काम का शब्द हुआ और उनका पसीना गया और वहां चमकदार जो चीजें वही उन्होंने देखा कि क्या है तो शिव जी को पूछा कि ये फट ये शब्द है इसको इस मंत्र को जो भी अपने पास रखेंगे वो शांति अनुभव करेंगे। इनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का कोई प्रभाव ये कोई भी नहीं बता सकेगा। सब लोग को अपने अपने देह से उन्होंने सब नीचे डाल दिया। वो पसीने का स्थल जब स्थल पे गिरने लगा तो फट के पृथ्वी वो पृथ्वी इतनी चमकदार हो गई कि देखने के लिए सभी को आश्चर्य लगा कि क्या चमक रहा है, क्या चमक रहा है कि इसमें तो वज्र से भी ज्यादा चमक रहा है, क्या चीज है ये? शिव जी को पूछा कि प्रभु ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि फट का अर्थ यह होता है कि संसार में जो कोई भी अन्याय कर रहा है उस अन्याय को उसके मंत्र के सामने अगर फट लगा दिया जाए और इस मंत्र को कहा जाए तो वो सब शत्रुओं का नाश हो। हम देखते हैं हमारे पास सारे मंत्रों के पीछे फट फट लगा है। फट का अर्थ भगवान शिव जी का उचित किया हुआ मंत्र था जो उन्होंने अपने एड़ी पर मार कर किया था। आज भी हम भूतोत्थान के लिए या अपने पास पृथ्वी पर जो भी राजस्थान से निकलने के लिए अगर यहाँ ब्राह्मण हैं तो लोग जानते हैं पृथ्वी पर 3 बार एड़ी से फट फट कहते हुए मारते हैं और उसके बाद भुजा में बैठते हैं और पृथ्वी की प्रार्थना करते हैं कि ऐसे भूतोत्सव का उत्साधन हो जाए। यही फट का कार्य शिव जी ने किया था। और जब ये फट काम का शब्द हुआ और उनका पसीना गया और वहां चमकदार जो चीजें वही उन्होंने देखा कि क्या है तो शिव जी को पूछा कि ये फट ये शब्द है इसको इस मंत्र को जो भी अपने पास रखेंगे वो शांति अनुभव करेंगे। इनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का कोई प्रभाव ये कोई भी नहीं बता सकेगा। सब लोग को अपने अपने देह तब माता जी को पूछे क्या ये क्या है तो कहा ये तो स्पट है। सब फट कहा गया स्पट है तो बाद में शिव जी ने कहा इस फट नहीं है माँ ये टिके रहने वाला अपने पास रहने वाला है तो इसलिए इसे स्फटिक कहा गया। इसका उत्तर हुआ कि स्फटिक है कि महाराज शिव जी के आपसे स्वर श्री भगवान कृष्ण की प्रार्थना के ऊपर। इसलिए आप देखते हैं कि चाहे राम अवतार हो परशुराम अवतार हो वामन अवतार हो इन सारे अवतारों में वो कोई कुटुंब के साथ नहीं रहे परिवार के साथ नहीं रहे और परिवार के साथ रहे भी तो वो दुखी थे। रामचंद्र जी का तो परिवार के बारे में आपको बताई है कि उन्होंने कैसा उपवास अनुभव किया। रामचंद्र जी के पूरे जीवन में आप देखते हैं कि उन्होंने कभी फटिक माला पहनी ऐसा कहीं नहीं। हनुमान जी को भी जो माला माती मोतियों के पहना रही थी सीता माता ने उन्होंने चबा कर देखा जिसमें राम नाम नहीं है वो छोड़ दिया। तो स्फटिक माला का जिक्र रामायण में नहीं आता। स्फटिक माला का जिक्र आरंभ होता है भागवत श्री कृष्ण के भगवान के पास और यह प्रदान यह स्फटिक माला का प्रयोग भगवान शिव जी ने भगवान श्री कृष्ण को दिया था। भगवान श्री कृष्ण को देने के बाद शिव जी ने कहा कि यह पत्थर की माला गोकुल में डाल दी। सब लोगों ने कहा किसलिए भगवान श्री कृष्ण प्रार्थना कर रहे उसके ऊपर जरा समझा दी मेरे भी आशीर्वाद से मेरी कृपा से आशीर्वाद प्राप्त कर उन सभी ने मथुरा पर हल्ला बोल दिया है और कृष्ण चाहते हैं कि गोकुल का कोई आदमी ना मरे गोकुल का हर आदमी सुखी रहे तो उनके पास ये मणियां डाल दी। माता पार्वती के हाथ से लड़ाई हुई गौरवर्ण की गौरवर्ण से जब माता पार्वती लगी तो वो मणि गौरवर्ण की स्कंद के साथ हुई तो वो हरिमाला डाल हुई गणपति के साथ हुई तो सिद्धुर वर्ण की हुई। इस तरह वो स्फटिक मणियां एक एक होकर गोकुल में गिरने लगी और कृष्ण ने आनंद अनुभव किया और कहा कि ये मणियां जो आज गिर रही हैं वो सब मणियां आप इकट्ठा कर लो और सभी लोग उसकी माला गुंथ कर आपके गले में डाल लो। मैं इसका मंत्र बोलता हूँ मेरे भगवान गुरुदेव ने सदाशिव जी ने यह मणिमालाएं मथुरा में डाल दी है। आज से कोई जरासन कोई आपको कोई नहीं मार सकता जब तक मैं जीवन में हूँ और ये माला पहने हुए हो आपको कोई नहीं मार सकेगा। उस स्फटिक मालाओं का उद्धार श्री कृष्ण ने किया और उन मणियों को चुनकर मथुरा का हर आदमी स्फटिक मालाएं धारण करने लगा। लेकिन कृष्ण ने कहा कि इसके पीछे भी यह है भगवान शिव में 12 ग्रह और 12 राशियां वास करती हैं उनकी आज्ञा का पालन करती हैं और जिन राशियों के अनुसार जो जो रंगों के साथ ये मणिमालाएं गिरी हुई है इस मणिमाला के साथ जो अपने आप को ऐश्वर्यान करते हुए अपने जीवन में संकट में अनुभव करते हुए अपने गृहस्थ जीवन को योग्य बनाना चाहता है भौतिकता को सारी भौतिकता को प्राप्त
प्राप्त करना चाहता है उन सभी को कहता हूँ कि यह महिमा महिमाला धारण करें, अपनी राशियों के अनुसार अपनी राशियों के साथ माता लक्ष्मी की आराधना करें। उसके जीवन में कोई संकट, कोई तीव्र यातना ऐसी आएगी ही नहीं। कृष्ण ने जब ये बात कही, सभी ने मणिमालाओं को लिया और भगवान सदाशिव के कहने पर उन मणिमालाओं की महत्ता बताई, कहा कि फूलों की मालाएं भी अपने पास की पहले। रामचंद्र जी अपने जीवन में वनवास के दिन भी अनुभव करे, माता सीता ने भी फूलों की माला पहनी। और लेकिन माता फूला माता सीता माता ने जब वनमाला पहनी, वन में उनको तुला राशि की सीता माता, अगर हम देखा जाए तो इनके राशि के अनुसार सीता का यह नाम तुला राशि से आरंभ होता है और उनके वनमालाओं के इसमें लाल वर्णों की फूलों की माला माता पहनी नहीं चाहिए। और लाल किस्म की माला जब माता जी पहनी, क्योंकि उन्हें सारे अपने रसमणी माला है, सभी सवाल निकाल दिया था, जब वो पहनी तो उनको संकट आया और भगवान रामचंद्र जी को बाहर जाना पड़ा और रावण को उन्होंने उठा लिया, रावण ने सीता माता को उठा लिया, क्योंकि उसमें कभी मणिमालाओं का जिक्र कहीं नहीं आया। मूंगा माला के सिवा स्फटिक मणिमालाओं का जिक्र आप रामायण में नहीं देखी। सभी ने ऋषियों ने भी फूलों की मालाएं पहनी, फूलों की मालाएं पहना लेती है, लेकिन कृष्ण ने कहा कि फूलों की मालाएं आज रखने पर सूख जाती है, कल नहीं मिलती। और वो थोड़े फूल होके आते हैं, थोड़े फूल आज भी हम देखते हैं, भगवान शिव को केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, माता दुर्गा को मंदार का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, भगवान गणपति भगवान को ये दुर्वा चढ़ाना चाहिए, बेल नहीं चढ़ाना चाहिए, माता दुर्गा को बेल नहीं चढ़ाना चाहिए, शिव जी को बेल चढ़ाना चाहिए, कृष्ण को तुलसी चढ़ानी चाहिए। ये क्यों है? क्योंकि ये मालाएं वो भी धारण करते हैं, शिव जी भी धारण करते हैं, लेकिन ये सूखने वाली चीज है, टूटने वाली चीज है। ऐसी क्या चीज है जो हमारे ऊपर निरंतर रहे और हम उस सुख का सुख अनुभव कर सके? आज तुलसी मिली, कल तुलसी नहीं मिल सकती, कहीं रह गए हम तुलसी की माला नहीं मिल सकती, तुलसी की माला कल भी बननी चाहिए, तुलसी की माला एकदशी के दिन जिस गठियों के साथ, जिस महीने के साथ बाएं जाती उस गठरी के साथ, तो वो कब पहनी चाहिए, कब नहीं पहनी चाहिए, एकादशी के रूप में मैंने बता दिया। रुद्राक्ष कब पहनी चाहिए, कौन पहनी चाहिए, कौन नहीं पहनी चाहिए, इसका भी वर्णन भगवान शिव ने कहा था। तो इस प्रकार अगर आप ऐसे सुख सब चाहते हो, समृद्धि चाहते हो, किसी प्रकार का संकट आप पर नहीं आना चाहिए, तो आप आपकी राशियों के अनुसार स्फटिक मणि माला का प्रयोग कर अगर आप अपने अपने गले में धारण करते हैं तो आप ईश्वरीयवान बनेंगे ही बनेंगे, जैसे कृष्ण भगवान ने कहा। भगवान कृष्ण उठे और जब देखा कि उनके ऊपर स्फटिकों की मणिमाला का की वर्षा मथुरा पर हो रही है, सभी मणिमालाएं चुन रहे हैं, सभी लोगों ने लिया, तो बलभद्र ने देखा, अरे कृष्ण कुछ मणिमाला मणिमाला गिर रही है, तो कहा भैया उसको ले लो और सभी को कहो कि मणिमालाओं को पहन ले। मैं अभी चमत्कार आपको बताता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। भगवान शिव जी ने प्रार्थना की कि मेरे गोकुल के सारे लोग, मेरे मथुरा के सारे लोग सुखी हो, इनके ऊपर जरा संडाली का कुछ भी असर ना हो, प्रभु ऐसा कुछ करो। जैसे ही मणिमाला पहन और उन्हें मंत्र दिया, ऐश्वर्यवान गोकुल के लोग, मथुरा के लोग एक रात में, रात के रात वहां से उठे और सभी लोग द्वारका चले गए और द्वारका में आने के साथ रहे। जब दूसरे दिन सुबह दरवाजा खुला तो मथुरा में कोई नहीं था, सारे जरा संडाली चक्कर लगा के एक भी एक रात में सभी लोग कहां गए, दरवाजे तो बंद थे और सभी के सभी लोग गए, पूरे मथुरा के लोग सुखी होकर द्वारका चले गए। तो इसके पीछे आपने देखा कृष्ण जहाँ थे वहां कभी दुख का अनुभव नहीं हुआ, चाहे गोकुल हो या चाहे मथुरा हो या मथुरावासी हो, उन्होंने सारे संकटों को अपने साथ ही निकला, क्योंकि वे अपना कार्य अपने गुरु के नाम लेकर करते थे और उन्होंने उन मणिमालाओं के साथ कार्य संपन्न किया और राशि के साथ मणिमाला दी। और कृष्ण ने कहा जब तक तुम्हारे पास ये मणिमाला रहेगी, मणिमाला में मणि टूटनी नहीं चाहिए, कृष्ण का एक शर्त था। और भगवान शिव जी ने कहा था मणि टूटनी नहीं चाहिए, माला टूटी कोई बात नहीं, माला का धागा टूटा कोई बात नहीं, मणि नहीं टूटनी चाहिए, मणि टूटी तो समझो आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है। और उन्होंने उस मणिमालाओं को दिया और ये जो मणिमाला धारण करेंगे वो 40 दिन से लेकर 1 साल के अंदर सारा ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे, उनके ऊपर किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा और राशि अनुसार यह जो मणिमाला पहने और इसकी साधना इस प्रकार। यह रहस्य आपने भागवत में पढ़ा होगा ना, आपने कोई दूसरे पुराण ग्रंथों में पढ़ा होगा। यह बात भगवान श्री कृष्ण सिद्धाश्रम में एक बार गुरु ने अपना प्रवचन देते हुए बताया कि स्फटिक मणियों की उत्पत्ति कहाँ हुई और स्फटिक मणियों को कैसे धारण किया जाता है और स्फटिक मणि को धारण करने से क्या होता है। यह बात सिद्धाश्रम में भी जानते थे। आज भी अगर मैं आपको कोई प्रश्न करें कि आप स्फटिक मणि क्यों धारण करते हैं तो आप एक बार जरूर कहेंगे ये ठंडी रहेगी, ठंडी वस्तु के लिए वही धारण करेंगे, इसी में जाकर बैठना होना ठंडी के लिए माना ही धारण करने की क्या जरूरत, बारिश में जाके किसी ठंडे घर में बैठ जाओ पेड़ के नीचे बैठो ठंडी आ जाती है, माला पहनने से ठंडी पहनती है तो स्फटिक माला पहनने की जरूरत नहीं, ऐसे हम बैठ सकते हैं। लेकिन महिमाला का उपयोग क्या है,
मणिमाला का उपयोग यह है, वो मणि भगवान शिवजी की बनाई हुई है, शिवजी के स्पेश से उत्पन्न हुई है और फट नाम की शक्ति से प्रोक्त है, शक्ति से युक्त है वो माला। और वो जो मणिमाला धारण करता है उसमें होने वाले जितने भी दुष्कर्म है, दुश्चिंतन है या दुष्टता है उसके ऊपर असर नहीं करती, वो फट नाम की शक्ति से उचली रहती। माता लक्ष्मी उस मणियों के साथ उनके साथ रहती है क्योंकि माता गौरी ने उसको सृष्टि किया है, भगवान गणपति ने, स्कंद ने, नंदी ने, शिवजी ने, भुंजी ने, इन सभी लोगों ने शिवजी के गणों में सृष्टि किया है और उन्होंने प्रसाद रूप के ऊपर भगवान भगवत श्री कृष्ण मथुरा के ऊपर गोकुल के ऊपर मणिमाला का प्रयोग वर्षा उन्होंने करवाई थी। आज मैं भी पहले दिन ब्रह्मा की सृष्टि के कारण आप कभी दरिद्र जीवन अनुभव ना करें, आप अपने कष्टों का जीवन अनुभव ना करें, आप जिस प्रकार कृष्ण के रहते हुए मथुरा सुखी थी उस प्रकार स्वामी निकेशानंद के रहते हुए आप भी सुखी रहे, इसलिए छठी मणिमाला का प्रयोग आज मैं आपको संपन्न करवा रहा हूं। केवल इस मणिमाला को आप धारण करें, पांच माला का जप करना है, जो लोग ये मणिमाला को धारण करेंगे अपने राशि अनुसार यहां मेरे सामने बंद रहेंगे उसकी प्राण प्रतिष्ठा करूंगा और धारण करेंगे, आप स्वयं एक साल के अंदर कहेंगे कि आपकी भौतिकता में आपके जीवन में आज जो अड़चने हैं वो अड़चने आपको एक साल के बाद भर आई तो मैं गलत समझ रहा हूं मणिमाला मेरे वापस कर दो मेरे साथ पैसा ले। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इस मणिमाला का प्रयोग मैंने भी किया है, आपने भी किया है, परमपति सद्गुरु जी ने भी मणिमाला पहनी हुई है और सारे लोगों ने इस मणिमाला को पहना है, लेकिन इसको विधि के साथ पहनना चाहिए। मैं ये उदाहरण दे रहा हूं आपके पास, परशुराम जी के पास हो, अयोध्या राम जी के पास हो, उनके पहले जितने भी लोग यहां स्फटिक का स्फटिक मणिमाला का धारण करने का विधान नहीं था। भागवत में श्री कृष्ण के बाद ही स्फटिक मणिमाला का धारण का प्रयोग हुआ और उसके बाद ही चाहे आज बौद्ध भी हो तो स्फटिक मणिमाला का ही प्रयोग करते हैं, चाहे मुस्लिम तंत्र हो स्फटिक मणिमाला का उपयोग करते हैं, चाहे जैन तंत्र हो स्फटिक मणिमाला का उपयोग करते हैं। और स्फटिक मणिमाला में वो श्रेष्ठता है कि जो इस माला का धारण करता है एक विशेष विधि अपने राशि के अनुसार अपने नक्षत्र के अनुसार वो सौभाग्यवान बनेगा, इसके ऊपर किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा और वो मणिमाला धारण करने वाला व्यक्ति में आकर्षण प्रदाओं का वशीकरण होगा और वह श्रेष्ठ व्यक्ति को कहलाएगा। आज ब्रह्मा ऐंद्र योग है, इंद्र भगवान का युग है और इंद्र भगवान स्वयं अप्सराओं के साथ सभी भी ये स्फटिक मणिमाला का धारण करते हैं, स्फटिक मणिमाला को ही धारण करते हैं और स्फटिक का घर अब गुरु जी ने कहा है कि आप अगर सिद्धाश्रम में आओ तो स्फटिक नौका में सदैव जीवन में विहार करते हैं, स्फटिक के घरों में लोग वास करते हैं सिद्धाश्रम में, स्फटिक की कितनी महत्ता होगी कि गुरु ने सिद्धाश्रम के बारे में लिखते हुए कहा है और यही प्रवचन परम पूज्य सद्गुरुदेव ने सिद्धाश्रम किया था कि स्फटिक की प्रमुखता, फटिक की प्रामुख्यता, फटिक की श्रेष्ठता आप लोग सब लोग पहचान। आज सिद्धाश्रम में फटिक के घर हैं, फटिक की नौका है जिसमें विचरण करते हुए सिद्धाश्रम के वीर रहते हैं और वो हजारों साल जीते हैं और ऐश्वर्य के साथ जीते हैं, वहां उनको कोई दुख, कोई बारिश, दो से तूफान आना या भूख लगना गुरु जी कहा जाए किस कैसी मंदमंद हवाएं बहती हैं और वो लोग साथ में हजारों साल बैठे एक ही जगह बैठे करते हैं, न उनका पांव दर्द करता है, न सर दर्द देता है, न उनको किसी प्रकार का कष्ट होता है। आप सिद्धाश्रम गुरु जी का पुस्तक पढ़ो, अगर आप सभी ने पढ़ा है तो सिद्धाश्रम के बारे में ये जान गया होगा आपने कि वहाँ सिद्धदेव जी में स्फटिक नौकाएं हैं और स्फटिक के घरों में लोग वहाँ वास करते हैं, आपने को स्फटिक के घर पर मिलेंगे ही, स्फटिक मणिमाला बना आपका भाग्य है, हम उतने स्फटिक के सिद्धाश्रम जाने की प्रक्रिया कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे ये आगे का कल बताएगा जब हम संपन्नवान होंगे। हम तो पहले अपने घर से ही परेशान, अपने बीवी बच्चों से परेशान, अपने कमाई से परेशान, अपने रोगों से परेशान है, हम उठते ही नहीं, सुबह गुरु पांव दर्द देता है, शहर में सर दर्द देता है, गुरु सूर्य उदय के बाद उठते हैं, कब हमें साधनाएं संपन्न, कब हमारा शरीर हमें साथ देगा, हम तो दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे हैं लेकिन हम जवान बने रहे, हमारे साधना की क्षमता हो और आप चाहते हैं कि आप संपन्नवान बने और अपने पुत्र पौत्रों को और अपने घर को सुखी और संतोष देखें, जब आपके घर को सुख संतोष देखते हैं और आपके शरीर में शक्ति होती है तभी आप साधनाएं संपन्न कर सकती है। ऐसी ही इस पटिमणि महाराज की साधना जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने सिद्धाश्रम में पहली बार बताई थी आज वही बात आपको समझाते हुए उस पटिमणि महाराज का प्रयोग आपको समझा रहा है। मैं एक भजन का समय देता हूँ, फटिक मणिमाला का प्रयोग आपके राशि के अनुसार फटिक में मणिमाला लिखा है, मैं यही साधना संपन्न करवाऊंगा और वो फटिक मणिमाला अपने गले में धारण करनी चाहिए, जो कहेगा एक साल में अनुभव करेगा उनके घर में ऐश्वर्य और संपन्न का सुख है या नहीं है। जो साधक आने वाले दो दिनों में साधना मैं जो विशिष्ट साधनाएं दे रहा हूँ वो साधनाएं करनी चाहते हैं और किसी प्रकार का अड़चन नहीं करना चाहते, बहुत लोगों को कहते हुए सुनता हूँ
यहाँ साधना करने बैठ गए, गुरुजी घर से फोन आया, बच्चे का इंटरव्यू है, या गुरुजी घर से फोन आया, बीवी बीमार है, बीवी मैं जाके आता हूँ। ऐसी बात जीवन में नहीं हो। ये दो दिन तो आप पूरी निश्चिंता के साथ अपने गुरु के सामने बैठे हो और आप साधना संबंध करें, कोई आपको ऐसा फोन ना आए, ना आपको दुख न करे, ना कष्ट न करे, आपको कोई दुखा सताए, ना आपको कोई रोग सताए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में एक श्रेष्ठ साधना करें और संपन्नता के साथ आप जिए, तो आज इस पहले ब्रह्मा के लिए मैं आपको सामर्थ्यवान बनाने के लिए इस फटिकमणि माला का प्रयोग अभी करवा रहा हूँ। केवल 5 माला का प्रयोग है। आप पहले भजन सुन, मैं भजन जब तक सुनता हूँ तब तक इस प्रयोग की साधना सामग्री लेकर यहाँ आए, साधना यही संपन्न करवाऊंगा। एक बार एक घोष करें, बोलो ब्रह्मा जी, सतगुरु देव भगवान की जय। आप अगर अपने बच्चों को अपने घर में नौकरी चाहते हैं, संपन्नता चाहते हैं, अपने घर को सुखी देखना चाहते हैं, अपने घर में वो सारा ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं जिसको भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, चाहे मथुरा से द्वारका गए तो कृष्ण ने सभी को जिनको घर नहीं था उन सभी को भी घर दिया, उन सभी को ऐश्वर्य दिया, और द्वारका में सब लोग कृष्ण के साथ जितने भी थे सुख और संपन्नता का दिए, अपने बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ कृष्ण जब तक गए उसी को भाग दिया गया। वही साधना मैं संपन्न करवाने जा रहा हूँ। आप सब लोग अपने रोग राय या दुखों को भूलना चाहते हैं तो इस फटिकमणि माला का प्रयोग जरूर करें, यही मैं प्रयोग करवाने जा रहा हूँ। सामग्री लेकर 5 मिनट में आ जाए। माला हम चलता रहेगा, आपके सारे की आवाज आनी चाहिए। इस बार गुरु पूर्णिमा मैं बनाता हूँ और उनके साथी पार्थार्थी जी और कामेश्वरी जी के साथ उन्होंने यह गुरु पूर्णिमा बनाई, उसलिए उन्होंने इस गुरु पूर्णिमा मनाने का ये जो कार्य किया, मैं यही कहता हूँ इस बार वाक्सर हो या और सभी लोगों ने बहुत सारे गुरु जी, इस बार हम गुरु पूर्णिमा कुछ नहीं ने किया, मैंने कहा मैं तो बार बार बोला, मैंने उंगली पकड़ करके चलाना सिखाया, अब उंगली छोड़ देता हूँ, चल कर तुम आओ मेरे पास, मैं बार बार गुरु पूर्णिमा मना रहा हूँ आप आओ, इसीलिए मैंने लिखा है गुरु पूर्णिमा की पावन पहली पहला बार मैं तुम्हें आमंत्रण नहीं कर रहा हूँ, मैं गुरु पूर्णिमा का विवरण दे रहा हूँ, विवरण पत्रिका है मेरी, आमंत्रण पत्रिका नहीं है, मैं क्यों बुलाऊ गुरु पूर्णिमा के लिए आपको, आपको मैंने चलना सिखाया है, आप दौड़ कर मेरे पास आने की प्रक्रिया आप सीखो, आप करो, और वो पहला कार्य आज हरे कृष्णा ने किया है। मैं उनके परिवार को और उनके कामेश्वरी को जो बहुत कम समय में जुड़कर इतना सब कार्य करते हैं उनको आशीर्वाद देता हूँ कि उनको ऐसी सदगुरु जी और आगे कार्य करें, सभी उनके इस कार्य के लिए सराहनीय कार्य के लिए आप ताली बजाने का स्वागत है। कामेश्वरी आई गारु अंतना तेलुगुलो चप्पाई ఈ కార్యాన్ని ఆమె ప్రతి క్షణాన్ని చూస్తూ ఒక మాట చెప్పాలంటే హరికృష్ణ ప్రోద్బలంతో హరికృష్ణ ప్రోత్సాహంతో వాళ్ళు ఈ గురు కార్యంలో గురు మార్గంలో వచ్చినారు, సాధన చేస్తున్నారు, చేస్తూ చేస్తూ ఈ కార్యాన్ని ఇంకా ముందు జరపాలని హరికృష్ణ నా కార్యాన్ని నేను కడబడే కార్యము, నేను వెళ్లే కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ చేసే పని కార్యక్రమం చూసేసని గురుగారు మేము ఎంత చేస్తున్నా మేమేం చేస్తున్నాం మేమేం చేయట్లేదు కదా, ఈసారి గురు పూర్ణిమ చేసే కార్యక్రమానికి నాకు ఒకసారి అవకాశం ఇవ్వండి అని కోరినప్పుడు అవును అన్నాను, కానీ తర్వాత పూర్తి మనసుతో వచ్చి చెప్పి నాకంటే కామేశ్వరి మేడం పాసార్థి గారు ఎక్కువగా దీంట్లో భాగం పంచుకున్నారు అని నాకు తన వైపు నుంచి చెప్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని మేమే కలిసి చేసినామని చెప్పినందుకు వాళ్ళ ఇలా కార్యక్రమం చేయాలని వాళ్ళ కుతూహలం కలిగి గురుకులు ప్రాప్తులైనారని అనిపిస్తూ వాళ్ళు చేసి కార్యక్రమం ప్రతిసారి చేస్తూ గురువు ఆశీర్వాదం పొందుతూ వారి కోరికలన్నీ నెరవేరుతూ
ఈ ఆత్మ నువ్వు అనే పరమాత్మల కలవాలని వాడి కోరికలను నెరవేరాలని ఆశీర్వదిస్తున్నాను. ఇలాగే వాళ్ళ సద్గురించి సత్కార్యాన్ని జరపాలని భయమని ఆశిస్తూ వాళ్ళు ఇంకా సామర్థ్యవంతంగా బతకాలి, ఇంకా గురు కార్యం చేయాలని ఆశీర్వదిస్తున్నాను. కారణం ఎవరైనా సరే కార్యం జరిగింది గొప్పది కాబట్టి దీనికి హరికృష్ణ కూడా ఆశీర్వదిస్తూ ఇలాగే ఆయన కార్యాలు చేయాలని ఆయన కుటుంబంతో సహా ముందుకొచ్చి ప్రతి కార్యంలో నిలబడి చేసేటట్టు ఆశీర్వదిస్తున్నాను. సామర్థ్యవంతంగా బతకాలని దుర్కార్యం చేయాలని మరీ ఆశీర్వదిస్తున్నాను. మీ అందరి ముందు ఆశీర్వదించేది ఏమంటే మా అనురాధ హరికృష్ణకు వచ్చేసారి సంతానంతో రావాలని దీనికంటే పెద్ద కార్యక్రమం చేద్దాం ఆశీర్వదిస్తున్నాను. అవి ఆ సభలో పహలే నయ సాధక పురాణ సాధక ఆ బ్రహ్మకరణ ఆ గురు మంత్రకి దీక్ష పడి దిగాయి బాల్య మణిమాల ప్రయోగ కో దియా జాయేగా. సభీ లోగ్ జో దీక్షా నహీ లియే హై యా లియే హై యే సభీ లోగ్ భీ గురు దీక్షా కా కార్యక్రమ గురు దీక్షా పహలే ప్రదాన కరు. శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు ప్రియం శ్రీ నిఖిలేశ్వరానంద స్వామి మమ సద్గురు గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురుస్సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. అప్నా బాయ హాత్ హృదయ పర రఖో, దాయ హాత్ స్థర్ పర రఖో. ఎడమ చేయి హృదయం మీద పెట్టుకోండి, కుడి చేయి తన మీద పెట్టుకోండి. గురుమంత్రం జపిస్తున్నాను, గురుమంత్ర బోలం. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ హృదయ పర రఖో, రైట్ హ్యాండ్ స్థర్ పర రఖో. బోలం. ఓం పరమతత్వాయ నారాయణాయ గురుభ్యో నమః. ఓం పరమతత్వాయ నారాయణాయ గురుభ్యో నమః. ఓం పరమతత్వాయ నారాయణాయ గురుభ్యో నమః. చిత్నామం. ఓం హ్రీం మమ ప్రాణ దేహ రోమ ప్రతిరోమ చైతన్య జాగ్రయ హ్రీం ఓం నమః. ఓం గురుదేవతాయ విద్మహే పరబ్రహ్మాయ ధీమహి తన్నో సద్గురు ప్రచోదయా. అభి పాంచ్ బార్ గురు మంత్ర జప్ అప్నే మన్ మే బోల్జే. పాంచ్ బార్ కేవలం పాంచ్ బార్ అప్నే మన్ మే గురు మంత్ర జప్ బోల్. మైని జైసే చలా జా. ఆజ్ జబ్ సమస్యా హై కల్ వో నహీ హై, ఔర్ కల్ జో సమస్యా హై ఉస్కే కల్ నహీ హై. హమ్ సమస్యాయే దేఖ్ రహే హై, సమస్యాయే జైసీ ఆ రహీ హై సాధనాయే భీ ఉసీ తరహ్ హో రహీ హై. పడి మణ మణిమాలాం కా పడి మణిమాలా కా ధారణ ఆజ్ మే ఆపకో యే సాధనా దే రహా హూం, తో ఇస్కే పీచే మేరా కోయి చింతా నహీ. ముజే ఆనే వాలా కల్ అగర్ ప్రభు జీ సద్గురుదేవ్ నే జిస్ కాల్ జ్ఞాన సే దిక్ మిల్ గయా హై, తో ఆనే వాలా కల్ అప్నే జీవన్ మే కైసే ఆనే వాలా హై, హమారే కో హమారీ సీ సాధనాయే హోంగీ, హమ్ అచ్చా కార్య కర్ సకేంగే యా నహీ కర్ సకేంగే, యే కలియుగ్ మే హోనే వాలీ చీజే హై. అగర్ జబ్ నహీ హోతీ తో హమారే మే రక్షా హమారే శరీర్ హమారే కో సాథ్ నహీ దేతా, యా కుచ్ ఐసా హోనే వాలా హై జిస్సే ప్రకృతి మే ప్రకోప్ హోగా ఔర్ అప్నే శరీర్ బిగడ్ జాయేంగే, హమ్ నా సాధనా కర్నే కే లాయక్ రహేంగే నా ఔర్ అప్నే అపనా అపనే ఆప్ కో ఉబారనే లాయక్ రహేంగే, తబ్ హమారీ రక్షా కైసే హో, హమ్ వైసే సంకటో సే పహలే ఉబరే, ఇస్లియే సాధనాయే సమయ కే అనుసార సాధనాయే దీ జాతీ హై. సమయ కే అనుసార సాధనాఓ కా యా దవాఓ కా జిస్ తరహ హోతా హై సాధనాయే కే సిద్ధాశ్రమ సే హీ ఆతీ హై, ఔర్ సిద్ధాశ్రమ కీ సాధనా ఇస్లియే ఆతీ హై కి సిద్ధాశ్రమ కో పతా హై కి ఆనే వాలా కల్ క్యా హోనే వాలా హై, ఔర్ ఇస్మే అగర్ ఆనే వాలా కల్ హమారా బిగడనే వాలా హై తో హమారీ రక్షా కిస్ ప్రకార కరే, ఇస్కీ ఇస్ ఇస్కా జ్ఞాన సిద్ధాశ్రమ కే లోగ్ హీ దేతే హై, ఔర్ ఉస్ ప్రకార సాధనాయే అప్నే జీవన్ మే దేనా యా కర్నా ఆవశ్యక్ హోతా హై. जैसे मैंने अभी आपको फटिक माने मैंने का प्रयोग किया, तो इसके पीछे प्रभु जी सद्गुरुदेव जी का भी कथन था. प्रभु जी सद्गुरुदेव कहते हैं कि आदिगुरु शंकराचार्य से लेकर आज तक कोई ऐसा श्रेष्ठ सन्यासी नहीं जिसने फटिक मणि माला ना पहनी हो. फटिक मणि माला का प्रयोग सिद्धाश्रम में फटिक का घर होता है, फटिक का वैभवी में फटिक का आसन होता है, फटिक की नौकाएं होंगे और फटिक मणिमाला का धारण करते हैं, इसलिए कि उनके ऊपर प्रकृति किसी प्रकार का प्रकोप नहीं बता नहीं बता सकती, न उसको उसके ऊपर तूफान का असर होता है, न पानी का असर होता है, न कोई दुष्ट शक्तियों का न दुष्ट ग्रहों का असर होता है, इसलिए फटिक मणिमाला का
तो इसका मतलब यह है कि यह प्रकृति में प्रकोप होने वाला है अगले अगले जन्म में, और इसका प्रकोप अपने ऊपर ना हो इसलिए स्फटिकमणि माला का धारण करना, या रोगों को अपने ऊपर कोई प्रयोग ना हो इसलिए स्फटिकमणि माला को धारण करना, यह साधना इस प्रकार दी जा रही है। गुरु जी ने बहुत बार भी कहा, और एक बात और भी आपको विशेष रूप से कहता हूं कि हम जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने अपने गुरु शिव जी से प्रार्थना करके स्फटिक माला ली, स्फटिक मणियों को सभी को दिया, मथुरा में सभी लोगों ने डाला, तो माता राधा का गांव था बरसाना, और वो वहां से आई, जब देखा कि सभी लोग मणिमालाएं पहने हुए हैं तो कृष्ण को पूछा गया कि ये क्या हो रहा है, तो कृष्ण ने कहा कि हमारे जितने भी गोकुलवासी हैं उनको कोई संकट ना आए, वे खुशी से रहे, आनंद के साथ मेरे साथ रहे, इसलिए मैंने इनको स्फटिक मणिमालाएं दी। राधा को थोड़ा गर्व था, राधा ने गर्व सिंह के साथ क्या कहा, मुझे क्या स्फटिक मणिमालाओं की जरूरत है, कृष्ण, मैं तो साक्षात कृष्ण को धारण किए हुए बैठी हूँ, मुझे मणिमालाएं वे कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण हंसे और उन्होंने कहा, मैं जब कहता हूँ राधा तो तू नहीं मानती, और तेरे मन से देखिए तूने कृष्ण को धारण किया है, तो कृष्ण कहे ना कि तूने मुझे धारण किया है, ठीक है ऐसा होगा देखा जाएगा। आगे हुआ क्या कि माता राधा अपने जितने भी जीवन में रही वे अनुभव करते रही, और गोकुल के जितनी अष्टभार्याएं गोपिकाएं थी वो कृष्ण के साथ रही, और राधा कृष्ण के बाहर रही और वीर अनुभव करते रही। जब उसने पूछा कि कृष्ण मैं इतने तुम्हारे से दूर रहते वीर अनुभव कर रहे हैं, इसमें अमृत का क्या है, इसमें कहते हैं कि राधा मैंने उसी समय कहा था मेरी मणिमाला तुझे मेरे पास ला दी थी तू नहीं लाई, इसकी तो वीर अनुभव करते हुए रही, और ये सब लोग चाहे कैसे भी हो अच्छे हो बुरे हो बाल बाल हो मंत्र करते हो साधना ना करते हो वो मेरे साथ रहे क्योंकि उन्होंने मेरे वचन को माना है। मैं भी यही बात एक बार लिखा हूँ कि गुरु के वचनों को माना गुरु का अनुसरण मत करो, गुरु जैसा कहता है अनुसरण नहीं गुरु के वचनों को माना जाता है, गुरु जब कहता है तो उसका अनुसरण करो, उस वचनों को पालो, उस वचनों को करो आपका उद्धार होगा, नहीं तो गुरु जी सिंह का धोती डालते मैं भी सिंह की धोती रहूंगा, गुरु जी स्वयं की माला पहनी मैं भी करूंगा, कुछ होने वाला नहीं। गुरु जी हम अगर शंकर जी के साथ करने गए शंकर जी ने विष पिया है अपन नहीं तो मर जाए, हम उनका अनुसरण नहीं करते, हम उनके साथ अनुसरण जो कहते हैं वो करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी ने अपने लिए गर्व का विष पिया है मैं जानता हूँ, गुरु ने कैसे दिन गुजारे हैं, गुरु जी हिमालय में नंगे पांव कैसे चले, उनके पांव में फफोले कैसे आए, और एक एक साधना ने कैसे प्राप्त किए ये मुझे पता है। यही बात सुदामा से भी, सुदामा के गर्व है, सभी लोग कृष्ण के लिए लाते थे, कृष्ण को सभी खाना एक जगह, सभी के खाना लेकर गाय में चलाते थे, दोपहर में सभी का खाना एक जगह इकट्ठा करते थे और सभी को एक एक ग्रास दिया करते थे। सुदामा जाकर छाड़ पर बैठ जाता था, बोलता था कृष्ण मैं उन सभी के साथ नहीं खाऊंगा, मैं अलग, उन सभी का हो गया क्या, बाद में मैं आता हूँ, अब हम दोनों खाएंगे, तू मेरे मैं जो लाया हूँ तो वो खाना खा ले, मैं तेरा, हम दोनों का, मैं ये सब खाना सभी के साथ नहीं करता। कृष्ण पर उठा था, प्यारा तो था, मित्र था, प्रेम करता था, बहुत बार समझाया कि उसके ऐसा ही सुदामा तू मेरी बात सुन दामा कि ये ले ले हम खाएंगे सभी मिलकर खाएंगे सभी एक है, तू मेरे को उनके साथ खाते रहा मैं अलग मैं उनके साथ नहीं रहता, ऐसा सुदामा का कहना। यही मणिमाला का प्रयोग जब हुआ तो कृष्ण ने सुदामा को भी कहा कि देख मैंने सभी को मणिमाला दी है, सुदामा तू भी पहन, तू मेरा मित्र है, तू और मेरे को गुरु बनकर बताने की बात करने की जरूरत नहीं, मैं कोई मणिमाला मणिमाला नहीं पहनूंगा, मैं तेरे से प्यार करता हूँ, बस यही मेरे लिए मैंने तुझे धारण किया। कृष्ण कहते रहे सुदामा नहीं सुना, आपको पता है सुदामा की स्थिति क्या हुई, सुदामा कितना तड़पता रहा, गरीबी में तड़पा, कृष्ण कृष्ण करता रहा, उन्होंने वचन नहीं पाला।